एवरीवन। बेटा लास्ट टाइम आपको याद हो हमने पिछली वीडियो में सैंपल साइज 2 विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल बनाना सीखे थे, यानी केस 1 हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केस 2, यानी विद रिप्लेसमेंट से ही सैंपल बनाना सीखेंगे। लेकिन उसके अंदर बेटा ये होगा कि सैंपल का जो साइज़ है वो अब 2 नहीं होगा, वो क्या होगा, वो सैंपल का साइज़ अब होगा 3। ठीक है, तो इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप तमाम बच्चे ज़रा गौर से देखें। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केस 2। केस 2 के अंदर बेटा सपोज करें पॉपुलेशन जो है वो हम उसके नंबर थोड़े से रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन अगर हम वही अगर हम देते हैं एज इट इज़ देते हैं तो उसमें सैंपल काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होते हैं, यानी कि इसमें कम से कम आपके जो है वो 64 सैंपल बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ले रहा हूँ 2, 4 और 6। इससे पिछले एग्जांपल के अंदर यानी पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने 8 भी साथ यहाँ पर इंक्लूड किया था, वो हम 8 नहीं यहाँ पर ले रहे हैं। सही है, क्यों, उसकी वजह ये है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कि पेपर में आता नहीं है, ये आ नहीं सकता, आ सकता है। ठीक है, लेकिन असल चीज़ है आपको सैंपल बनाना आना चाहिए कि सैंपल बनाते कैसे हैं। सही है, वो सैंपल का पॉपुलेशन का साइज कम हो या ज़्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, तो यहाँ पे बेटा आप देखें तो कैपिटल एन कितना नज़र आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल एन आपको नज़र आ रहा है 3, यानी कि कैपिटल एन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो लास्ट प्रीवियस यानी हमारी जो वीडियो है उसमें हमने ये देखा था कि 2, 4, 6 यानी पॉपुलेशन के नंबर कितने हैं, इसको काउंट करके देखें तो कितने हैं 3, और सैंपल का साइज़ है वो सवाल के अंदर अब जो दिया होगा पेपर के अंदर या जो दिया होगा वो दिया होगा 3। सैंपल का साइज़ भी क्या है, वो 3 है, पॉपुलेशन का साइज़ भी 3 है, लेकिन रिप्लेसमेंट वही है, यानी विद रिप्लेसमेंट के साथ ही हम सैंपल को बनाएंगे। सही है, तो किसी बच्चे को याद हो लास्ट टाइम यानी पिछले लेक्चर में पॉसिबल सैंपल का बेटा हमने फार्मूला सीखा था, अगर विद रिप्लेसमेंट की टेक्निक हो तो कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, तो कैपिटल एन कितना है 3, 3 रेज़ टू पावर 3 अगर हम लें तो ये आता है 27, यानी 27 सैंपल जो है वो इस गिवन पॉपुलेशन से बनेंगे। सही है, तो जब क्लास में पढ़ा रहा था तो आप बच्चों से जब मैंने वोट लिए थे, वोटिंग करवाई थी, तो उस वोटिंग में आप बच्चों ने कहा था सर वो कैपिटल एन वाली टेक्निक जो है वो ज़्यादा सही है, उससे सैंपल आसानी से समझ आ जाते हैं, तो उसी को ही हम बेस बनाकर चल रहे हैं। कैपिटल एन कितना बेटा, कैपिटल एन है 3, और इससे कितने मुमकिन सैंपल बनेंगे 27, 27 इधर लेके इसकी तर्जी की थी 3, 3 9 27, उसके बाद 3, 3 9 और 3, 1 3। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, 9, 3 और 1। तो 9, 3, 1 क्या, 9 क्या बता रहा है कि आपने सैंपल बकायदा बनाने, अब पॉपुलेशन का हर नंबर पहले कितनी बार आपने लिखना है, 9 टाइम्स, यानी 9 टाइम्स हर पॉपुलेशन का नंबर रिपीट किया जाएगा, यानी 2 को कितनी बार लिखेंगे, 9 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 8 और 9। इसी के बेटा आपने नीचे, चूंकि जगह की थोड़ी सी कमी थी जिसकी वजह से मैंने आगे सैंपल बना रहा हूँ, आपने इसी 2 के नीचे क्या करना है, फिर बनाने हैं 4, यानी 4 के साथ आपने यानी 4 को 9 बार आपने यहाँ पे लिखना होगा। आप इसको 9 बार यहाँ पे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद फिर आप इस 6 की बारी आ रही है पॉपुलेशन में, तो 6 को कितनी बार लिखा जाएगा, 9 टाइम्स, 1, 2 और 9। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने ये करना है कि हर नंबर को अब आपने 3 3 बार लिखना है, पहले आपने 9 9 बार लिखा था, अब आपने 3 3 बार लिखना है। ठीक है, तो 3 3 बार हर नंबर को लिखें, 2 2 2, 3 बार इसको लिख लिया, 4 को लिखें, 1 2 3, फिर 6 को लिखें, 1 2 और 3। अब यहाँ पर आपने स्टॉप नहीं करना, इस प्रोसेस को आपने 27 तक आपने इसको रिपीट करना है, यानी दोबारा फिर क्या आएगा, 2 इसी तरह से हर नंबर को एक एक बार लिखा जाएगा, एक एक बार यानी पॉपुलेशन का हर नंबर एक एक बार लिखना है, और इस प्रोसेस को आपने 27 टाइम्स रिपीट आपने करना है, 2, 4, 6, एक एक बार लिखना है, रिपीट करते हैं जहाँ 27 टाइम ले आए। इस तरह से आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इसमें 27 सैंपल्स आपके सामने बेटा नज़र आ रहे हैं, इसको मैं एक दफ़ा रिपीट करके यहाँ पर बात को वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस है बेटा जिसके अंदर हमने आज हमने ये सीखा कि पॉपुलेशन जो भी हमें दी हो उसका साइज जो भी दिया हो, आपने ये देखना है कि सैंपल का साइज कितना है,
पहले पिछली वीडियो में सैंपल साइज 2 विद रिप्लेसमेंट के साथ बनाया था। केस 2 क्या है विद रिप्लेसमेंट ही है, लेकिन इसके अंदर साइज अब चेंज हो गया है। साइज अब 2 के बजाय क्या आ गया, वो 3 आ गया है। तो जब साइज 2 के बजाय 3 आ जाए तो टेक्निक वही रहती है, टेक्निक चेंज नहीं होती। मतलब है कि कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, यानी बेसिक फार्मूला वही है, ठीक है। और जो आंसर आ रहा है उस आंसर में आप देखें, जो टेक्निक सैंपल बनाने के लिए जो हमने यूज़ की है लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में या पिछली वीडियो में, तो वही वाली टेक्निक को हम बेस में आगे दोबारा फिर से हमने सैंपल यहाँ पर बनाया जो आपके आपको नज़र आ रहे हैं। वो कैसे बनाया है, 27 बेटा ये वाला 27 आप इधर लेना, यानी मुमकिन सैंपल का जो आंसर आता है, यानी पॉसिबल सैंपल का जो रिजल्ट आता है वो आपने इधर लेना है। और जितने उसे जो पॉपुलेशन का साइज क्वेश्चन में दिया हुआ, पॉपुलेशन साइज नंबर को काउंट करके लिखते हैं यहाँ पर। तो इसकी फैक्टर तजदी करते हैं, इसकी तजदी करने के बाद फिर आप ये देखें जो 3 नंबर आपके पास आएंगे, पहले 9 आ रहा है, फिर 3, फिर 1। 9 को कितनी बार बेटा लिखा, 9 को यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट में 3 कॉलम बनाए गए हैं। लिस्ट में पहले कॉलम में जरा आप चेक करें, ये पहला कॉलम चल रहा है, तो पहले कॉलम में हर नंबर को कितनी बार लिखा गया, 9 टाइम्स 9 टाइम्स 9 टाइम्स। फिर दूसरा कॉलम को गौर करें, वो दूसरे कॉलम में हर नंबर को 3-3 बार लिखा गया है, 1 2 3, यानी 2 को 3 टाइम्स लिखा गया है, 4 को भी 3 टाइम्स लिखा गया है और 6 को भी 3 टाइम्स लिखा गया है। इस प्रोसेस को 27 टाइम्स रिपीट किया, यानी सेकंड कॉलम में आप इसको बखूबी देख सकते हैं। और बेटा जॉइंट वाला कॉलम यानी कॉलम नंबर 3 जो आपको नजर आ रहा है, इसमें हर नंबर को एक एक बार लिखा जा रहा है, यानी 2, 4, 6 पॉपुलेशन का नंबर एक बार लिख दिया, तो 3 ये हो गए। अब इसके बाद इसी को आगे कॉपी पेस्ट करते जाना, और कहाँ तक आपने रिपीट करना है, 27 टाइम्स आज तक आपको रिपीट करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चों को केस 2 क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को क्लियर ना हो तो बेटा वो बाद में कमेंट करके मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।